जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट एडमिट कार्ड 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस बताऊँगा। अगर आप इस प्रोसेस के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाते तो आप मेरे द्वारा भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे और कहाँ पर अपनी जानकारी सेंड करनी है ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे आप खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों भी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी दी गई होगी सिलेबस तक, और सिलेबस की वीडियो भी मैंने बना रखी है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप यहां पर एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। एंड देन आप यहां पर देखेंगे कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो आपके स्टेनो और ड्राइवर की पोस्ट के आ चुके हैं। एडमिट कार्ड लीजिए या फिर जो सिटी इंटीमेशन है वो आ चुकी है। मैं आपको पहले इसका जो नोटिस आया है वो नोटिस दिखाता हूं, फिर मैं आपको आगे की जानकारी बताता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये नोटिस एनटीए के द्वारा जारी किया जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है। आप देख सकते हैं ड्राइवर ग्रेड 4 का जो एग्जाम है वो 10 दिसंबर 2022 को है, और टाइम ऑफ एग्जामिशन आपकी दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो पोस्ट है इसका एग्जाम 11 दिसंबर 2022 को है। इसका जो एग्जाम है वो भी सेम टाइमिंग पर होने वाला है। तो इन दो पोस्ट पर जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उनकी एग्जामिशन सिटी आ चुकी है, यानी कि आप लोग अभी लॉगिन करके जो एग्जाम सिटी है वो चेक कर पाएंगे। और फिर इसी लॉगिन के माध्यम से जो आपकी एग्जाम डेट है उसके 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि आपको कहीं और पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेम लिंक से और सेम लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। बट पहले यहां पर जो आपका फॉर्म का स्टेटस है वो आता है सिटी इंटीमेशन के रूप में, एंड देन फिर आपका एग्जाम डेट के 4 दिन पहले जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उनका एडमिट कार्ड आता है। अब आपको ये एडमिट कार्ड या फिर कह लीजिए कि सिटी इंटीमेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर जो आपने हमारी वेबसाइट देखी इसी इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आपको स्टेनो और ड्राइवर के लिए अलग अलग से लिंक दिया है। आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई किया था जिसका आप स्टेटस या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको बोला है कि लॉग इन थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो आप यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे जो कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद में मिला था। यहां पर दोस्तों आपको कोई भी ऐसा विकल्प नहीं दिया जिसके माध्यम से अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं उसको रिकवर कर पाए। आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है आपके भूले हुए एप्लीकेशन नंबर को प्राप्त करने का, और वो ये है कि क्या या तो आप अपना मैसेज चेक करें जब आपको रजिस्टर करने के बाद में आया था वो, अगर आपको आपका मैसेज नहीं मिल रहा है उस वक्त का तो आप अपनी ईमेल आईडी चेक करें। ईमेल आईडी के अंदर भी आपको ईमेल गई होगी जब आपने इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया था, जब आपने फॉर्म को फिल किया था। तो इन दो तरीके से आप अपना एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर पाएंगे, कोई अन्य माध्यम यहां पर नहीं दिया है। तो जैसे ही एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाए और या फिर आपके पास हो वो यहां पर आपको डालना है, और डेट ऑफ बर्थ आपको वो सिलेक्ट करनी है जो कि आपने फॉर्म फिल करते समय यहां पर दी थी, और फिर ये सिक्योरिटी पिन फिल करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी जो एप्लीकेशन स्लिप है वो आ जाएगी। और मैं अभी यहां पर जो ये वीडियो में दिखा रहा हूं ये एक डमी एडमिट कार्ड है जो कि प्रीवियस ईयर का है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही एक पोस्ट का है। आप देख सकते हैं कि एडवांस्ड इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, कुछ इसी प्रकार से आपके सामने आपकी जो स्लिप है वो आ जाएगी जैसे कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर आपको आपकी पोस्ट का नाम दिया गया होगा, एप्लीकेशन नंबर दिया गया होगा, आपका नेम और आपके फादर का नेम, ये सब यहां पर आपको देखने को मिलेगा। एंड यहां पर जो आपकी कैटेगरी है वो जानने को मिलेगी, डेट ऑफ एग्जाम क्या है वो यहां पर आपको इसके अंदर दी गई होगी, सिटी ऑफ एग्जाम क्या है वो भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर आपको बोला गया होगा कि दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड, दिस इज एडवांस इंफॉर्मेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सेंटर सिटी टू फेलिसिटेट द कैंडिडेट, द एडमिट कार्ड शैल बी इश्यूड लेटर, यानी कि एडमिट कार्ड आपको बाद में जारी किया जाएगा और सेम तरीके की स्लिप आपके सामने आएगी जब आप यहां पर लॉगिन कर लेंगे। बेसिकली आपको यहां पर यह कहा जाएगा कि द एडमिट कार्ड शैल बी इश्यूड लेटर, कैंडिडेट शुड डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर्म, यानी कि सेम तरीके से लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड बाद में डाउनलोड कर पाएंगे। बस ये कि जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि जो भी आपकी एग्जाम डेट है उस एग्जाम डेट के 4 दिन पहले से आप अपना
एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ये सिटी इंटीमेशन लिस्ट इसलिए जारी की जाती है ताकि आपको पहले ही पता चल सके कि किस सिटी के अंदर आपका एग्ज़ाम है, ताकि आप अपनी तैयारियां शुरू कर सके। अब ये तो ही आपकी इसकी जानकारी। अब आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड के साथ में आपको क्या क्या लेकर के जाना है। आपको यहाँ पर भी बोला है कि नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। तो क्या क्या आपके पास बेसिकली रहना चाहिए, क्या क्या लेकर के आपको जाना है, वो भी आप इसी वीडियो में जान लीजिए, आपको पूरी जानकारी अच्छे से दी जाएगी। तो ये वो सभी इंस्ट्रक्शन हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पर आपको प्रिंटेड एडमिट कार्ड विद टू आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स एज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म फिल करते समय आपने फोटो अपलोड किए थे, सेम फोटो आपके पास दो रहने चाहिए और प्रिंटेड एडमिट कार्ड आपके पास होने चाहिए। भले ही आपको इंस्ट्रक्शंस के अंदर एडमिट कार्ड में ये ना बोला गया हो कि आपको दो फोटो लेकर के आने हैं, बट आपको फिर भी लेकर के जाने हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं पता, ऐसी चीज़ें किसी भी वक्त मांगी जा सकती हैं। एंड साथ ही कोई भी गवर्नमेंट इशू आईडी जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, मैं आपको परिफेयर ये करूंगा कि जिस आईडी की जानकारी आपने फॉर्म भरते समय दी थी वही ओरिजिनल आईडी आपको लेकर के जानी है, और उसकी फोटोकॉपी भी अपने पास एक दो रखनी है। या अगर आपके पास वो वाली आईडी नहीं है जो कि आपने फॉर्म फिल करते समय दी थी, खो गई है या फिर कोई अन्य रीजन है, तो आप कोई अन्य ऐसी आईडी लेकर के जा सकते हैं ओरिजिनल रूप में, जिसमें कि आपका नाम वही हो जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपके एडमिट कार्ड के अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग दिया है, तो ये आपको यहां पर बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। जो इंस्ट्रक्शंस आपको एडमिट कार्ड के अंदर दिए गए होंगे वो इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करने हैं, उनमें जो मेन इंफॉर्मेशन है वो तो मैंने आपको बता दी है, बट फिर भी आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, और जो चीजें उसमें आपको लेकर के जाने को बोली है वो आपको लेकर के जानी है, और जिन चीजों के लिए आपको मना किया है वो आपको नहीं करनी है। ये जो आपके सामने अंडरटेकिंग आएगा आपके एडमिट कार्ड के अंदर, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होगी वो आप यहां पर देख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो तीन पॉइंट्स है, ये तीन पॉइंट्स आपको आपके देखने के मिलेंगे एडमिट कार्ड के अंदर। और यहाँ पर ए पॉइंट में बोला है कि कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी कि सेंटर पर पहुँचने से पहले सेम फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है जो कि आपने फॉर्म के अंदर दिया था। अगर आपके सामने ये वाला अंडरटेकिंग आता है आपके एडमिट कार्ड के अंदर, ये जो मैं आपको अभी अंडरटेकिंग दिखा रहा हूँ, ये मैं एक HSCCET का भी एडमिट कार्ड आया था जो कि NTA ने ही एग्जाम कंडक्ट किया था। तो मुझे लगता है कि सेम तरह का आपके सामने इस वाले एग्जाम के अंदर अंडरटेकिंग आ सकता है। अगर आया तो आपको ये चीजें फॉलो करनी है, अन्यथा जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर चीजें होगी वही आपको फॉलो करनी होगी। अब गाइस यहां पर जो जरूरी जानकारी है वो बस यही है कि आपके पास आईडी और आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, बाकी तो आप इंस्ट्रक्शंस के अंदर चीजें पढ़ ही लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मेरे द्वारा अपनी सिटी इंटीमेशन लिस्ट या एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना चाहते तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो जो लिंक मैंने आपको हमारी वेबसाइट का दिया है ये आपको ओपन करना है एक बार फिर से, और इसमें सबसे लास्ट में आना है। यहां पर आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आप अपना नाम देंगे, ईमेल आईडी देंगे, फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सएप नंबर देना है, क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का PDF सेंड किया जाएगा और उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मैसेज के अंदर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपकी कौन सी पोस्ट का एडमिट कार्ड है वो आपको कैसे लिखना है आप एक बार समझ लीजिए। आपको यहां पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और लिखना है AHC, आपकी पोस्ट का नाम वो, और उसके बाद में एडमिट कार्ड, क्योंकि मेरे पास और भी काफी सारे एग्जाम का एडमिट कार्ड रिक्वेस्ट आता है डाउनलोड कराने के लिए। तो अगर आपने ये नहीं लिखा कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है और कौन सी पोस्ट है तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा और आपको सही से नहीं बता पाऊंगा, इसलिए एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और AHC, पोस्ट का नाम और एडमिट कार्ड, ये जरूर लिखना है। एंड देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी। आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए मैं जितनों का हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दूंगा और उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट एडमिट कार्ड 2022 के बारे में पूरी जानकारी। जानकारी पसंद आई है और कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।